साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करेंगे, दुबई से रिलेटेड कुछ मैसेज आए हैं, इंक्वायरीज मान लीजिए या फिर जॉब से रिलेटेड। ये जॉब दोनों पे लागू होगा, अगर आप इंडिया में हैं तो भी आप इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दुबई बैठे हैं, दुबई में हैं, आपके पास जॉब नहीं है या जॉब चेंज करना आपकी प्रॉब्लम है तो आप इस जॉब में दुबई से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी की बात करें तो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों पे ये बात लागू होती है, आप दोनों इस दोनों कंट्रियों के जॉब इसमें आप ले सकते हैं। इसमें मैं बता दूं साथियों कि एक्सपीरियंस स्टाफ, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ए रिन्यूअल्ड रेस्टोरेंट इन दुबई। दुबई में रेस्टोरेंट में स्टाफ की आवश्यकता है जिनको ये काम आता है, पहले से उनको नॉलेज है। चाहे वो विदेश का नॉलेज हो तो सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी, अगर अपनी कंट्री का नॉलेज हो तो सैलरी उनको कम मिल जाएगी। कुक एक तो इसमें कैटेगरी बता दूँ, कुक मांगे हैं इसमें चाइनीज वगैरह जो बनाते हैं फूड वगैरह, ठीक है। उसमें सैलरी है 1200 से 2000 एडी तक आपको मिल जाएगी। अगर आप इंडियन हैं तो 1200 से शुरुआत होकर 2000 तक, जैसा बंदे को काम आता है वैसी सैलरी मिल जाएगी। यानी 1200 का मतलब उन इंटू 24-25 हज़ार हो गए, 23-24 हज़ार, ये मान लीजिए डबल करके उसको 46-47 हज़ार तक इसमें लेके जा सकते हैं। ये सैलरी आपको मिल जाएगी कुक से रिलेटेड। सेकेंड जॉब इसी में जॉब में साथ में साथियों वेटर, वेटर की रिक्वायरमेंट है जो आपको पहले से, ये नहीं भाई कि नए बंदे हैं सर मुझे वेटर में भेज दो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साफ बता रहा हूँ वीडियो में। जो बंदे को एक्सपीरियंस्ड है वो पहले से इंडिया में या तो होटल में काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या फिर विदेश में वो काम कर रहा है, चाहे कोई भी कंट्री हो, इसमें सैलरी 1200 से लेके 1500 एडी तक आदमी को आपको आराम से मिल जाएगी। 1200 दुबई दराम से लेके 1500 दुबई दराम तक जैसा बंदा है वैसी सैलरी मिल जाएगी। फूड आपका फ्री रहेगा, इसमें फूड मिल जाएगा, अकोमोडेशन बाय कंपनी यानी रहना और खाना दोनों कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा 2 साल का, ये आपको बेनिफिट है कंपनी की तरफ से। नेशनलिटी इंडियन और पाकिस्तानी दोनों कंट्रियों के बंदों की इसमें जरूरत है। एक्सीलेंट बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल ठीक होनी चाहिए, बंदा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि एक वेटर आदमी को वहां जाके उसको वेटर को अगर ऑर्डर लेना ही नहीं आएगा तो वो क्या वेटर गिरी करेगा, समझ रहे हो बात को। इंग्लिश आना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए। जी सर समझ गए आपको, यानी मुझसे बोलने से अगला कस्टमर मुझसे बोले उससे पहले अपनी आवाज उनके पास तक पहुंच जानी चाहिए, शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई ऐसे वैसे वो नहीं चलेंगे, बंदा होना चाहिए कि हाँ होटल का ये स्टाफ है, समझ गए आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये बंदे अगर आप हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एक्सपीरियंस की सैलरी 1200 से स्टार्ट होगी, अगर आपको अदर कंट्री की है अनुभव तो आपको 1500 एडी तक सैलरी मिल जाएगी, 2 साल का वीजा मिल जाएगा। आप इंडिया से अप्लाई करें, पाकिस्तान से अप्लाई करें या फिर दुबई में आप हैं तो वहां से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से इंक्वायरी आपको दे दी है, ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर मेरे से लेके वहां डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से सीवी सिलेक्शन रहेगा, आपको काम आने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, जाके वहां पे इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर रोज इसी टॉपिक पे सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।